गंगा का जलस्तर लगातार अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने पर आमदा है। गंगा का जलस्तर धीरे धीरे ही बढ़ते हुए अब 61.7 मीटर के स्तर पर जा पहुंचा है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2016 के जलस्तर के नज़दीक अब गंगा का जलस्तर पहुंचने वाला है। वर्ष 2016 के 26 अगस्त को गंगा का जलस्तर 61.25 मीटर दर्ज किया गया था। गंगा का जलस्तर वहाँ से अब कुछ ही दूरी पर है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से एक तरफ जहाँ शहरी इलाकों में भी पानी प्रवेश करने लगा है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में स्थिति बेहद विकराल हो गई है। 3 दर्जन से ज़्यादा गांव इस बाढ़ से प्रभावित हैं और उस गांव के लोग अब बांध आदि पर शरण लिए हुए हैं। कई जगहों पर सड़क यातायात पूरी तरह बंद हो गया है और नौका परिचालन शुरू हो गया है। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये धोबी घाट का है। धोबी घाट इलाके में भी अब की बार जलस्तर वर्ष 2016 की याद दिला रहा है। वर्ष 2016 में भी इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला था। हालांकि अब भी कुछ राहत के आसार हैं, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं उसके मुताबिक अगले कुछ दिनों में 1 मीटर तक जलस्तर अभी बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त नगर के सत्यदेव मिल, नगर के अन्य गंगा तटीय इलाके भी बाढ़ के पानी की चपेट में आए हुए हैं। उधर सब्जी मंडी आदि में भी गंगा का पानी प्रवेश कर रहा है, पानी नालों के माध्यम से प्रवेश कर रहा है। बताया जा रहा है कि गंगा का पानी न सिर्फ इन इलाकों में बल्कि सदर अस्पताल आदि में भी प्रवेश कर रहा है, जहां से जल निकासी की व्यवस्था अब नगर परिषद के लिए सिरदर्द बनी हुई है। दरअसल गंगा के जल में उफान है, ऐसे में नालों का पानी गंगा में तो जा नहीं सकता, जिसके कारण अब नगर परिषद का एक बड़ा इलाका प्रभावित हो रहा है। बताया जा रहा है कि नगर परिषद के अधिकारी भी लगातार जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। वहीं जिला पदाधिकारी स्वयं इलाकों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अन्य अधिकारी भी दिन रात गंगा की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी लगातार नज़र रखी जा रही है। जिला पदाधिकारी अमन समीर का कहना है कि जल्द ही राहत बचाव से संबंधित कार्य किए जाएंगे, साथ ही साथ अगर आवश्यकता पड़ी तो सामुदायिक रसोई आदि भी खोली जाएगी। उन्होंने बताया कि गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी तो है, लेकिन एक सुकून की बात यह है कि इलाहाबाद में लगातार गंगा का पानी घट रहा है। ऐसे में यदि स्थिति ठीक ठाक रही तो अगले कुछ दिनों में जलस्तर घटने की भी संभावना है। हालांकि उन्होंने भी यह कहा कि 1 मीटर तक गंगा का जलस्तर अभी बढ़ सकता है, जिससे कि लोगों को कुछ परेशानी हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और जैसी भी परिस्थिति होगी उसका डट कर मुकाबला किया जाएगा। अभी जो हम लोगों का है, अभी हम लोगों का जलस्तर अभी राइज कर रहा है, लेकिन जो हम लोगों का अपना अनुमान है कि इलाहाबाद में जो है वो जलस्तर अभी घटना शुरू हो गया है। तो अभी जो वर्तमान में है, मैक्सिमम हम लोगों का जो आकलन है कि 1 फीट और ज़्यादा पानी बढ़ेगा। अगर ऊपर से दबाव अगर नहीं रहेगा तो जो पानी का दबाव हम लोगों के यहाँ नहीं रहेगा, धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगा। अगर प्रिकॉशन की बात करें हम लोग तो तटबंध की क्या, अभी जो हम लोगों की बांध की स्थिति एकदम ठीक है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आई है। कुछ जगह से हम लोगों को जो शिकायतें मिल रही थी, खासकर ब्रह्मपुर से, तो तुरंत जो हम लोगों ने टीम भिजवा के वो सारा जो कार्य है बांध का हम लोगों ने करा लिया। वर्तमान अभी किसी तरह का कोई स्थिति नहीं है और हम लोग विभिन्न प्रखंड जो हम लोगों का है, चौसा, बक्सर, सिमरी, चक्की, सभी जगह हम लोग भ्रमण करके देख लिए हैं। जो भी लोग अफेक्टेड हैं उनका हम लोग भी आकलन कर रहे हैं। अभी वर्तमान में बहुत कम के संख्या में घर में पानी आ गया है और लोगों के खेत खलिहानों में गया है। तो हम लोग पशु के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं और साथ साथ तक जहाँ भी रिक्वायर्ड होगा हम लोगों को कम्युनिटी किचन चलाने का या ड्राई जो फूड पैकेट्स बंटवाने का वो हम लोग कराएंगे। मेडिकल टीम, हाँ मेडिकल टीम वगैरह सभी जो भी हम लोग आपदा विभाग का जो भी प्रोटोकॉल है सूपी है उसका हम लोग पालन करेंगे। सहायक नदियों में भी सहायक नदियाँ जो हम लोगों का कर्मनाशा है और कर्मनाशा में भी हम लोग देख के आ रहे हैं। जो चौसा में मुख्यतः जो पानी जो जा रहा है गाँव में वो कर्मनाशा के कारण ही है और साथ साथ हम लोग जो है ठोरा पे भी हम लोग जो है वो ध्यान दे रहे हैं। 2016 और 2013 के बाढ़ के 16 में जो है हम लोगों का 26 अगस्त 2016 को 61.25 का आया था। अभी हम लोग उस लेवल पर नहीं पहुंचे, अभी उससे हम लोग लगभग कम से कम 30 सेंटीमीटर नीचे हैं
और जिस तरह से इलाहाबाद का ट्रेंड है तो हम लोग ये होप कर रहे हैं कि वो 2016 के स्तर को पार नहीं करेंगे हम लोग। जिला पदाधिकारी का कहना है कि जलस्तर में वृद्धि अब थम सकती है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में जिस प्रकार से गंगा के जलस्तर में कमी आई है, बक्सर में भी जलस्तर घटने की संभावना है, अधिकतम 1 मीटर का जलस्तर बढ़ सकता है। जिला पदाधिकारी विभिन्न इलाकों का जायजा लगातार ले रहे हैं और मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। हालांकि कई इलाके बाढ़ प्रभावित हैं। बताया जा रहा है कि जिले में 3 दर्जन से ज़्यादा गांव बाढ़ प्रभावित हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग नौका के सहारे अपने गंतव्य को जा रहे हैं। शहरी इलाकों में भी स्थितियां सामान्य नहीं है। यह नज़ारा जो आप देख रहे हैं यह जहाज घाट रोड का है। इसके अतिरिक्त यह नज़ारा जो अब आप देख रहे हैं यह सेंट्रल जेल के समीप का है, सोमेश्वर स्थान मोहल्ले का, जहां जल जमाव की समस्या अब होने जा रही है। पानी लगातार बढ़ रहा है और सेंट्रल जेल की बाउंड्री तक पहुंच गया है। हालांकि सेंट्रल जेल के जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक अभी पानी ने जेल परिसर में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन स्थितियां अगर यही बनी रहीं तो निश्चित रूप से जेल परिसर में भी पानी प्रवेश कर सकता है और वहां से पानी निकालना फिलहाल मुश्किल होगा, क्योंकि जल निकासी का जो मार्ग है वह स्वयं ही लबालब है। लगातार बढ़ रहा जलस्तर जहां लोगों की परेशानी का सबब बन रहा है, कई लोग विस्थापित हो चुके हैं, वहीं कुछ लोग इस नज़ारे को देखने के लिए भी उत्सुक है। ऐसे में विभिन्न गंगा घाटों पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। यह नज़ारा जो आप देख रहे हैं यह नाथ बाबा मंदिर घाट का है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग जल जमाव को और बढ़ते जलस्तर को देखने के लिए एकत्रित हुए हैं। लोग यहां सेल्फी आदि भी खींच रहे हैं और लगातार जलस्तर को देखकर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गंगा का जलस्तर किस स्तर तक पहुंचा है। इसके साथ ही वीर कुंवर सिंह सेतु पर भी काफ़ी संख्या में लोग प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। यहां पहुंचे लोगों ने बताया कि गंगा का जो जलस्तर है वह पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से गंगा का बढ़ता जलस्तर परेशानी का सबब बन रहा है। नगर से ज़्यादा ग्रामीण इलाके के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं।